पिछले वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। अब इंट्रोड्यूस होने के बाद इनइक्वालिटीज़ का रूल और रेगुलेशन क्या है उसको समझते हैं। जैसे इसके पहले हम इक्वेशन का रूल और रेगुलेशन समझते थे, वो सारा रूल रेगुलेशन इनइक्वालिटी में फिट नहीं बैठता है। जैसे कि पहले तुम जानते थे, है ना, पहले तुम जानते थे कि अगर कोई भी चीज़, दो जो चीज़ हैं अगर आपस में बराबर दिया गया हो, जैसे 5 = 5 दिया गया हो पहले से, तो इसमें सेम नंबर जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, कोई इसे दिक्कत नहीं होगा। सेम नंबर जोड़ने से, सेम नंबर घटाने से वो बराबर ही रहेगा। जैसे हम इसमें 7 जोड़ दिए, इधर भी 7 जोड़ दिए, तो रिजल्ट जो आएगा वो बराबर ही आएगा। आ चाहे घटा दिए, 5 पहले 5 के बराबर था, हम 5 में से मान लो 10 घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 घटा दिए तो इधर भी 10 ही घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी -5 आएगा, इधर भी -5 आएगा, जोड़ घटाओ तक सही है। लेकिन जैसे ही अगर गुना में जाते हैं हम लोग, इक्वल टू में तो गुना में भी सही है। जैसे 5 = 5 है, अब हम कहें कि आप -2 से गुना कर दो, -2 से, तो 5 * -2 करोगे और यहाँ 5 * -2 करोगे, तो ये -10 आया और -10 आया, है ना। ये बात समझ में आती है, माने दोनों तरफ हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मान लो हमको पहले से -10 = -10 दिया हुआ है, हम कहेंगे कि इसमें तुम क्या करो, 2 से डिवाइड करो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये -5 आएगा और -5 सही है, तो बराबर तक सही है। लेकिन जैसे ही हम इनइक्वालिटी में बढ़ते हैं तो ये सारे रूल रेगुलेशन फिट नहीं बैठते हैं। जैसे मान लो 5 > 3 तुम्हारा 3 है, क्या ये बात सही है? पहले ये सही है कि नहीं सही है? सही है, 5 > 3 से। अब हम बोलेंगे कि इसमें तुम क्या करो कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो ये 5 * -1 कर दिए और इधर 3 * -1 कर दिए, इसको वैसे ही का वैसे ही रहने दिए, तो ये -5 होगा और ये -3 होगा, क्या ये सही है? -5 जो होता है वो बड़ा होता है, नंबर लाइन पे देखो, पहले -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा। तो जितना हमारे नंबर लाइन पे RHS में नंबर होता है कंपेयर टू LHS वो बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर बदलोगे नहीं इनइक्वालिटी में, इक्वेशन में तो चल जाएगा, अगर बराबर रहता तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं था, हमने -2 से मल्टीप्लाई किया कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन इनइक्वालिटी में छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा, इसको पलटना पड़ेगा। या आप एक छोटे और एग्जांपल से लो, जैसे 5 > -4, ये बात सही है कि गलत है? सही है, 5 > -4 से। अब हम बोलेंगे -1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें दोनों तरफ, तो इधर 5 * -1 हुआ और इधर -4 * -1 हुआ। अब जरा देखो तो ये -5 हो गया और ये -4 हो गया, अब क्या हम ऐसे रखे रहें इसको, सही होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई जब हम दोनों तरफ कर रहे हैं तो हमें दिक्कत हो रही है, जबकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई तकलीफ नहीं होगा उसे। पॉजिटिव नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, डिवाइड भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो 5 > 3 है, अब हम कहें कि तुम +2 से गुना कर दो, तो 5 * 10 हो गया, 5 * 2 किए और 3 * 2 किए, तो 10 > 6 अभी भी सही है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं है, डिवाइड करने में भी दिक्कत नहीं है। जैसे 10 > 6 है, तुम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो भी सही है, लेकिन वो पॉजिटिव था, लेकिन वो पॉजिटिव था, ये कितना हो गया, 5 > 3 सही है। लेकिन नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो वो चुप नहीं बैठेगा। जैसे हम इसी क्वेश्चन में हम 10 को क्या कर दिए, -2 से डिवाइड कर दिए, 6 को भी -2 से डिवाइड कर दिए, तो ये कितना आएगा, -5, और ये कितना आएगा, -3। अब बताओ, सबसे पहले सोचो, -5 = -3 बड़ा? नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा हो जाता है,
कर्ज है ना, कर्ज हमारे ऊपर जितना कम रहेगा उतने हम धनी रहेंगे। तो -3 बड़ा है, तो -3 बड़ा है तो इसको पलटना पड़ेगा ना, और नहीं पलटोगे तो गलत रहेगा। तो ये पहले ग्रेटर देन था और ये पलट के लेस देन हो गया। जोड़ घटाओ में कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी को आप घटा लो जोड़ लो कितना भी बड़ा संख्या, इनइक्वालिटी में भी दिक्कत नहीं है। गुना में बस प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि एक जोड़ घटाओ वाला भी आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, अब हम बोले कि इसमें 10 जोड़ लो, तो 5+10 हो गया और 3+10 हो गया, तो अभी भी ये 15 हुआ और ये आपका 10 और 3 13 हुआ। बड़ा है, 15 बड़ा होता है 3 से, हम बराबर थोड़ी कह रहे हैं। तो जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घटाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 10 ही घटा लो, 3 में से 10 ही घटा लो, अभी भी वही रहेगा, क्योंकि ये -5 आएगा और ये आपका -7 आएगा। तो क्या -5 बड़ा होता है -7 से? नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है। तो आप जो है इस बात को ऑब्जर्व करो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि जो मैथमेटिक्स में हम इक्वेशन में करते थे वही इनइक्वालिटी में करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पॉजिटिव से कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी को पलटना पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव नंबर ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक और बात, जीरो से मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है, ना इक्वेशन में ना इनइक्वालिटी में। जीरो से मल्टीप्लाई ना इक्वेशन में होता है और ना इनइक्वालिटी में, याद रखना। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो सब जीरो हो जाएगा। अगर ये 5 ग्रेटर देन 3 है, आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्या आप जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, मैथमेटिक्स का रूल है। दोनों तरफ आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर चाहे नॉन जीरो नेगेटिव, मतलब आप कह सकते हो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो ये रूल आप लिख लीजिए, फटाक से हम लिखवा देते हैं। चलिए, तो ये जो ऑब्जर्वेशन हम अभी अभी करके आए नंबर्स पे, उसको हम लिख के हैं। रूल नंबर वन, ऑब्जर्वेशन नंबर वन या रूल नंबर वन क्या है कि इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ सकते हैं, सेम नंबर घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर टू क्या है, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई द सेम पॉजिटिव नंबर। माने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई अ नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। मतलब दिक्कत केवल कहाँ आ रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो याद रखना, दोनों इनइक्वालिटी के दोनों तरफ कितना भी नंबर जोड़े कितना भी नंबर घटाए कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी नंबर का गुना करें कितना भी नंबर का भागा करें, अगर वो पॉजिटिव नंबर से गुना का और भागा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से गुना करें चाहे भागा करें, डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, वो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। ग्रेटर है तो लेस बना देगा, लेस है तो ग्रेटर बना देगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पे